देश में 14,378 लोग कोरोना की चपेट में आए। अब तक 480 लोगों की मौत। रांची में दो दिन की नवजात भी कोरोना से संक्रमित हुई। मुंबई में INS आंग्रे पर तैनात 21 भारतीय नौसैनिक भी कोरोना की चपेट में आए। INS आंग्रे को लॉकडाउन किया गया। पंजाब के लुधियाना में कोरोना संक्रमित ACP की मौत हुई। राज्य में अब तक 16 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 1,355 हुई। इंदौर भोपाल के बाद खरगोन खंडवा राज्य के बड़े हॉटस्पॉट। दिल्ली के चिल्ला गांव में पानी के लिए लग रही लंबी लाइनें। दिल्ली जल बोर्ड पर तीन दिनों की देरी से पानी पहुंचाने का आरोप। JNU के रिसर्च स्कॉलर रहे शर्जील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर की। चार्जशीट में भड़काऊ भाषण देने और जामिया में हिंसा भड़काने का आरोप। महाराष्ट्र के पालघर में चोरी के शक में 3 लोगों की पीट पीट कर हत्या। 110 ग्रामीणों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया। कोरोना संकट पर संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी। 1929 की वैश्विक महामंदी के बाद सबसे बुरे हालात पैदा होने के आसार। इटली के बाद स्पेन में भी कोरोना से मरने वालों की संख्या 20,000 के पार हुई। चीन में मौत का आंकड़ा 4,632 हुआ। अमेरिका में 7,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए। अब तक 37,000 से ज्यादा की मौत। और दुनिया भर में अब तक 22,50,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए। मरने वालों का आंकड़ा 1,54,000 के पार हुआ।